नमस्कार दर्शक मित्रों, फरी एक बार आपनु स्वागत छे आजना अतिथि कार्यक्रम में। आजना अतिथि में अमे आप सुधी लाविए छे एक एवी विशिष्ट व्यक्तिओ ने के जेने मळवानी आपने अने अमने बधाने इच्छा होय छे। अने आजे अमारा स्टूडियो में अमारा अतिथि बन्या छे एक एवा व्यक्ति के जेमणे वर्ल्ड रेकॉर्ड बनावेलो छे। बिलकुल साची बात मित्रों, आप जोई रह्या छो ते छे राजकुमार वर्मा जी। अने राजकुमार वर्मा जी ए सतत 18 कलाक एब्सोल्यूट नॉनस्टॉप एरोबिक्स नो वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाव्यो हतो ते मारी साथे छे। राजकुमार जी, हिंदी कम्फर्टेबल रहेगा या गुजराती? हिंदी। दर्शक मित्रों, राजकुमार जी ने हिंदी भाषा थोड़ी कम्फर्टेबल छे, सो बात करीशु आपणे हिंदी में। राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि नॉनस्टॉप एब्सोल्यूट नॉनस्टॉप एरोबिक्स, उसमें जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्या क्राइटेरिया देखा जाता है उसमें? उसमें तीन कैटेगरी होती है, एक तो मैराथन होता है, एक नॉन स्टॉप होता है और एक एब्सोल्यूट नॉन स्टॉप होता है। मैराथन में हम ब्रेक ले सकते हैं और जो नॉन स्टॉप होता है इसमें हम फॉर नेचुरल कॉल्स के लिए जा सकते हैं, बट फॉर एब्सोल्यूट नॉन स्टॉप देर इज ए नो गैप, नॉट ए सेकंड गैप, यानी कैमरे के बाहर आप जा नहीं सकते। मतलब उन्होंने जो फ्रेम बनाया है उसी फ्रेम में आपको रहना है 18 घंटा नॉन स्टॉप, क्योंकि एरोबिक्स करने का मुझे भी याद है कि एक बार मैं भी गया था, बहुत जोश चढ़ गया था कि मैं भी थोड़ा एक्सरसाइज करूं। सिर्फ 15-20 मिनट में तो पसीने निकल गए थे, और ये 18 घंटा कैसे मैनेज हुआ? इट्स ए वन सॉर्ट ऑफ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट्स अ सेल्फ सुसाइड वी कैन से। लेकिन इस कला को जितना ज्यादा से ज्यादा मैं इस माध्यम से फैला सका, शायद मैं ऐसा नहीं फैला सकता, तो ये एक जुनून था जो मैं कर गुजरा। बिल्कुल सही बात है, जुनून के बिना तो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हो ही नहीं सकती। लेकिन राजकुमार जी, मुझे पूछना है कि 18 घंटा नॉनस्टॉप आपने एरोबिक्स किया, तो उसके लिए आपने जो भी प्रिपरेशन किया था वो कितने साल पहले किया था? क्योंकि ये आपने अचीव किया था 15 अगस्त 2002 को, तो 2002 में अगर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो कितने दिन पहले, कितने महीनों पहले, कितने साल पहले से प्रिपरेशन थी आपकी? सर, मुझे इस फील्ड में कम से कम 15 साल हो गए, लेकिन मैंने सबसे पहला रिकॉर्ड 1995 में बनाया था जब 3 घंटे का था, लेकिन वो मेरे लिए वो शायद मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हाँ, तो वो इतना ज्यादा तकलीफ का रहा मुझे क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। तीन घंटे और वो 1995, उसमें 5 मिनट का रेस्ट भी था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस, जैसे क्लासेस होती है तो एक क्लास 45 मिनट की होती है, तो सारी क्लासों को जोड़ देते हैं, तो ऐसे मैंने 19 क्लास को जोड़ के एक एक्यूमुलेशन किया। उसके बाद आपने 3 घंटे का बनाया था रिकॉर्ड 1995 में, जो आई थिंक इंदौर में बनाया था। ओके, उसके बाद आपने दूसरा रिकॉर्ड, अपना खुद का रिकॉर्ड ही आपने तोड़ा था? वो मैंने सूरत में तोड़ा था 16 आवर्स 35 मिनट का, वो भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड था, क्योंकि मुझे इस गिनीज से परमिशन लेने में कम से कम 8 साल लग गए। ओह, क्योंकि मेडिकली दे आर नॉट अलाउ कि ए पर्सन कैन डू एरोबिक्स सच ए लॉन्ग टाइम। ट्रू, तो बहुत मुश्किल से मुझे परमिशन मिली थी, और उस दिन मैंने मिठाई बांटी थी जब मुझे परमिशन ही मिली थी। रिकॉर्ड तो बनाना दूर की बात है, परमिशन के लिए 8 साल लग गए थे मुझे। नहीं, नॉट अलाउइंग मी। ओके, बिकॉज मेडिकली अगर देखा जाए तो इतना डॉक्टर उसके लिए रिकमेंड ही नहीं कर रहा था। 18 आवर्स पॉसिबल ही नहीं है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, देयर आर चांसेस फॉर कोलैप्स ऑफ हार्ट, योर हार्ट कैन बी कोलैप्स, जॉइंट्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही चेंज हो जाता है विद इन 19 आवर्स। ए पर्सन कॉन्ट स्लीप फॉर 2 आवर्स, तो ये तो 18 आवर्स हॉपिंग करना है, जॉगिंग करना है, और एक ही लेंस में जो डायरेक्टली लाइव टेलीकास्ट लंदन होता है उसके सामने करना है, तो बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी। फिर हॉस्पिटल्स के परमिशन, डॉक्टर्स की टीम, पहले मेडिकल चेकअप भी किया गया होगा आपका, और उस वक्त तो सारा मेडिकल वो एम्बुलेंस और ये सारे वहाँ से फैसिलेट करते हैं वो। ओके, कि अगर कुछ ऐसा होता है तो दे विल बी। राजकुमार जी, अगर ये बात ही निकली है कि 8 साल आपको लग गए वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो क्या ऐसा जुनून किसी के भी अगर दिलो दिमाग में छाता है तो भी जितनी स्ट्रगल रिकॉर्ड बनाने में करनी पड़ती है उतनी स्ट्रगल नॉमिनेट होने के लिए भी करनी पड़ती है? नॉमिनेट होने के लिए भी करना, क्योंकि वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होके वहाँ के एक्सपर्ट्स
दे आर वॉचिंग कि ये इज इट रियली डूइंग द एरोबिक्स और नॉट, कि ये सिर्फ डांसिंग तो नहीं हो रहा है, सारे स्टेप्स आना भी जरूरी है, वार्म अप होना जरूरी है, कूल डाउन होना जरूरी है, जितनी भी एरोबिक्स की जो मेथड होती है वो सारी उसमें एप्लीकेबल होगी, देन एंड देन यू विल क्वालिफाई. फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाई लिम्का रिकॉर्ड, देन गो फॉर दिस. दैट इज अ स्टेप कि पहले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड नेशनल आपको क्लेरिफाई करना पड़े, देन यू प्रोसीड फॉर इंटरनेशनल. नेशनल के लिए कब किया था आपने ये जो मैंने लिम्का थ्री तीन तीन घंटे के लिए जो किया आपने, कैसा था जब पहली बार लिम्का में मतलब आप गए, क्योंकि फिर तो धीरे धीरे आप सीजन हो गए. हाँ. तो लेकिन पहली बार जब लिम्का 95 में बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए आपने अप्लाई किया था, तो उस वक्त कैसा मतलब फीलिंग था आपका? उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई थी जब वो अवार्ड मुझे दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि लता मंगेशकर और ये सब गिनीज रिकॉर्ड और लिम्का रिकॉर्ड होल्डर, तो उन लोगों को वो बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं, उनसे मुझे अवार्ड का वो हुआ था. तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. अहमदाबाद में कितने साल से आप रहे राजकुमार? अहमदाबाद में मुझे 5 साल हो गए. 5 साल हो गए. और आप पहले मैंने अहमदाबाद में जैसे ही पैर रखा था उसके दूसरे महीने मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो मैंने सोचा शायद ये खुशकिस्मती है अहमदाबाद की भी. हाँ. कि आप जैसे लोग आए अहमदाबाद में और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो हमारे साथ है. राजकुमार जी, मैं एक खास पूछना चाहूंगा कि एरोबिक्स या तो एक्सरसाइज एक ऐसा सब्जेक्ट है लोग करने के लिए तो बहुत बार सोचते भी है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना एक नॉर्मल पीपल के लिए पॉसिबल नहीं होता. तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस कि कैसे आप ये मेंटेन कर रहे? एक्चुअली में एरोबिक्स क्या है, इट्स अ मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. जो भी हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक. जैसे योगा और जो भी होता है वो एनारोबिक होता है, देयर इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट एरोबिक्स जो होता है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन आपको लेना पड़ता है. ओके. से फॉर साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, दिस ऑल कम्स इन कैटेगरी ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस. ओके. एंड नाउअडेज वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज अगर कोई है तो वो एरोबिक्स है. और ये तो खैर गुजरात है, बाकी जितनी स्टेट्स है वहाँ पर तो एरोबिक्स कंपलसरी है सारे स्कूल कॉलेज में, कंपलसरी सब्जेक्ट. राजकुमार जी, हम बातें जारी रखेंगे. दर्शक मित्रों, आप जो प्रमाण वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर राजकुमार जी एरोबिक्स માટેની ઘણી વાતો શરૂ જ કરી હતી. એની શરૂઆતમાં આપણે વાત કરી તે પ્રમાણે રેકોર્ડ બનાવવા માટે, વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવવા માટે, એની વાત તો આપણે બ્રેક પછી કરીશું. પરંતુ લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં જ્યારે નોમિનેટ થયા અને જ્યારે રેકોર્ડ એમને એવોર્ડ મળ્યો હતો ત્યારે કેટલા રોમાંચિત થયા તેની વાતો કરીશું. વધુ વાતો એરોબિક્સની રાજકુમારજી સાથે એક નાનકડા વિરામ પછી. City cable operators also provide instant broadband connectivity. Zamane se kadam aage. Zamane se kadam aage. Best service, best price. Zamane se kadam aage. City broadband. Hamesha aapke saath chalta rahe. City broadband. Zamane se ek kadam aage. Ek samajhdar saasu ne. सास बहु माँ साड़ी खरीदता सासु ने वो खिलती लग्न सरानी नवी वैरायटी होश की खरीदती લગ્ન પ્રસંગ માટે બનારસી ઘરચોળા પાનેતરની નવી જ વેરાયટી ફેન્સી વર્ક વાળી પ્રિન્ટેડ સાડીઓ પંજાબી સૂટ ડ્રેસ મટીરિયલ્સ અનોખી ડિઝાઇન અને રંગોમાં સાસ બહુ સાડી સિલેક્શન સુંદર નારીને વધુ સુંદર બનાવે સાસ બહુ સાસુ વહુના સંબંધમાં મીઠાશ વધારે સાસ બહુ એસકે કોમ્પ્લેક્સ કર્ણાવતી હોટલની બાજુમાં ઇન્ડિયા કોલોની રોડ બાપુનગર અમદાવાદ. દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે કાર્યક્રમ આજના અતિથિમાં. અને આજે અમારી સાથે છે, આપણી સાથે છે વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર રાજકુમારજી. રાજકુમારજી, અમ વાત કર રહે થે એરોબિક્સ ઓર નોન એરોબિક્સ, અનએરોબિક્સ જો ભી બોલતે થે, તો ક્યા પ્રોપર આપને બોલા કે બહોત સારી ચીજ એરોબિક્સ મેં શામિલ હોતી હે, કિતને હદ તક યે બેનિફિશિયલ રહેતા હે જો ભી ઇન્સાન એરોબિક્સ કરતા હે રેગ્યુલર? इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है और ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीज जो भी होती है, जैसे आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा,
वाटर जितना आपका बीपी है और शुगर वगैरह, वाटर में भी द लेवल, जॉइंट पेन वगैरह सारा जो है, एंकलाइटिस, स्पंडलाइटिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट्स अबाउट मेंटल पीस आल्सो, वंस वी एक्सक्रीट, किसी भी फॉर्म में अगर हम एक्सक्रीट करते हैं, वो स्वीट हो या पसीने के रूप में या कैसे भी, तो नहीं दिख ही रहा है राजकुमार जी, आप बहुत इतना कुल्ली बोलते हो, इतने 18 घंटे आपने एक्सरसाइज करते हो, मतलब एरोबिक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन आप बहुत आराम से कुल्ली बात कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसे कसरत बाज या तो ऐसे करने वाले उनकी आवाज भी जरा भारी होती है उनके शरीर की, लेकिन आप बहुत कुल्ली बात कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा एक मेन फैक्टर यह है कि एज इरेजिंग है दिस एक्सरसाइज, यू कांट इमेजिन द एज ऑफ पर्सन। दर्शक मित्रों, एक सेकंड राजकुमारी, दर्शक मित्रों आपने बताया तो जो हमने कीधु कि एरोबिक्स रेगुलर करवा दी, तुम्हारी उम्र देखाती नहीं अथवा प्रदर्शित थती नहीं, आपने बताया दो कि राजकुमार जी 45 इयर्स ओल्ड छे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कॉलेज में जाए तो आज की तारीख में भी आप, आई एम हैविंग माय डॉटर ऑफ हैविंग 19 इयर्स ओल्ड, शी इज जस्ट नॉट 20 इयर्स ओल्ड, स्टिल यू आर लुकिंग सो हैंडसम एंड यंग रादर। थैंक यू, माय प्लेजर। ओके, सो एरोबिक्स अगेन, अगर किसी को भी एरोबिक्स करना है तो क्या उसके लिए एज लिमिट या ऐसा कुछ? फ्रॉम 7 इयर्स टू 70 इयर्स कैन डू वेरी इजीली। लेकिन एरोबिक्स में किसी लोग जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द होता है, वो लोग हाउ यू आर डूइंग, वंस यू विल डू विद द एक्सपर्ट ना, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अगर हमने बॉडी को बिना वार्म अप करे अगर आप करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली विल गेट द प्रॉब्लम। ओके, इसलिए आपको वार्म अप करना एक प्रॉपर अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर पर्सन, इंस्ट्रक्टर के। तो नॉर्मली आप जो भी अगर एरोबिक्स में जो भी आते हैं आपके साथ, तो उनके साथ वार्म अप के लिए कितना टाइम दिया जाता है और उसके बाद उनकी पूरा एक 45 मिनट्स का एक सेशन होता है एरोबिक्स का। जो मैं इसका आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा। हाँ जी, एक्चुअली द फादर ऑफ एरोबिक्स इज डॉक्टर केनिथ कूपर फ्रॉम कैलिफोर्निया। ओके, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था एंड ही अप्लाइड फॉर द पेशेंट ऑफ हार्ट पेशेंट्स, उसके ऊपर उसने अप्लाई किया। नॉर्मली तो ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन उन्होंने उन पेशेंट्स के ऊपर किया था एंड ही गॉट द वेरी गुड रिजल्ट, बिकॉज उस एक्सरसाइज कराने से उनकी जो मसल्स है, हार्ट मसल्स, वो स्ट्रेंथन हो गई थी। ओके, एंड ही गॉट वेरी गुड रिजल्ट। उसके बाद फिर जेन फोंडा आई, काफी उसमें मॉडल्स का वो हुआ, शी इज ऑल्सो फ्रॉम कैलिफोर्निया, और उसने इस कला को पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर किया और आज की तारीख में एरोबिक्स से पॉपुलर कोई एक्सरसाइज नहीं। वर्ल्ड में तो एरोबिक्स बहुत पॉपुलर है आपने बताया, लेकिन हिंदुस्तान में उसको कितनी अहमियत मिली है? सर, हिंदुस्तान में ऑल इंडिया एरोबिक्स एसोसिएशन है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ओह गुड, और यहाँ से इंटरनेशनल इवेंट भी होती है, जाते हैं यहाँ से सेलेक्ट होकर, काफ़ी अच्छा है। किक बॉक्सिंग एरोबिक्स भी आ गया है, देर आर सो मैनी एरोबिक्स, जैसे चेयर एरोबिक्स होता है, जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग होते हैं, दे कांट डू, दे डोंट हैव टाइम, तो अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। आई एम हैविंग दैट मच। अभी बता सकते हैं चेयर एरोबिक्स कैसे हो सकता है? बिल्कुल बता सकता हूँ। चेयर एरोबिक्स होता है, रॉड एरोबिक्स होता है, डंबल्स एरोबिक्स होता है, डांडे एरोबिक्स होता है, हिंदी रिमिक्स के ऊपर एरोबिक्स होता है, ये सारे एरोबिक्स मैंने खुद अपने आपने डिजाइन किए। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने हिंदी रिमिक्स के ऊपर एरोबिक्स किया है। क्या कि जैसे हम वेस्टर्न पे करते हैं तो हमें थीम समझ में नहीं आती, लेकिन हम अपने कल्चर के अगर इसमें करते हैं तो विल एंजॉय मोर एंड मोर। ओके, बीइंग द एक्सरसाइज, और एक्सेप्टेंस भी बहुत फास्ट मिल जाती है उसको, फास्ट मिल जाती है, और आपका माइंड जो है वो म्यूजिक में डाइवर्ट हो जाता है, एंड कितना वर्कआउट आप कर लोगे आपको पता नहीं चलेगा। आप तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रदेशों में आप रहे भी हैं और आपने अपनी मतलब जो एरोबिक्स है उसके जरिए कई लोगों को हेल्थ इम्प्रूव भी किया है, लेकिन बाकी प्रदेश और गुजरात आपको क्या डिफरेंस दिखा? गुजराती पीपल आर कॉन्शियस और नॉट कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ? दे आर रियली वेरी कॉन्शियस, लेकिन इस पर डाइट इज कंसर्न, दे आर नॉट रेगुलर। ओके, द पानी पूरीज एंड पिज्जाज, उनके जो खाने की जो हैबिट है ना, वो अगर उस पर अगर वो कर लें तो बहुत अच्छा रहे। जैसे सेफोर में, पुणे में, बॉम्बे में देखता हूँ, अगर वो एक सिप भी लेते हैं ना तो दे नो कि हाउ मच कैलोरी इन पर्टिकुलर दिस पार्ट, इतने कॉशियस रहते हैं। लेकिन गुजरातीज तो यू नो बेटर। नहीं, उस पर विशेष टिप्पणी सुनना चाहूंगा मैं। विशेष टिप्पणी ये कि आपको किसी भी सैटरडे संडे चले जाइए, होटल के बाहर आपको वेटिंग करना है, तो आप सोच लीजिए कि कितना
कंजम्पशन होता है कैलोरीज का, उसके हिसाब से आउटपुट नहीं होता है। अगर आप इक्वली या आउटपुट करते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जब आउटपुट नहीं है तो आपको एक समोसा ही भारी हो जाएगा। ओके, आप एरोबिक्स इतने साल से आप तो बहुत लोगों को सिखाते भी, बहुत लोगों को हेल्प भी किया है उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ज्यादातर लोग आपके पास क्या उम्मीद लेके आते हैं? वेट लॉस के लिए। ओके, एंड टू लुक लाइक मी। ओके, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज अ ड्रीम मेरे हिसाब से। इवन लेडीज आर आल्सो कमिंग टू गिव फिगर लाइक यू। ओके 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 ओके, तो ये मतलब ये एरोबिक्स ज्यादातर लोग वेट लॉस के लिए ही, वेट लॉस के लिए रहता। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, सम इंटरनल प्रॉब्लम दे आर आल्सो हैविंग आफ्टर जॉइनिंग माय क्लास। देयर वन सॉर्ट ऑफ जो एक हार्मोनी होती है बिटवीन मेल एंड फीमेल, ओके ओके, दे विल गेट डेफिनेटली वेरी गुड रिजल्ट, दे आर सेटिस्फाइड। एरोबिक्स में ऑल द हार्मोन्स जितने होते हैं एक्टिवेट होते हैं इंटरनली, सेटिस्फेक्शन होता है। सर, एरोबिक्स इज समथिंग डिफरेंट और बाकी एक्सरसाइज से थोड़ा हटके है, क्योंकि बाकी एक्सरसाइज में अगर मुझे बाइसेप्स बनाना है, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो सिर्फ किसी के, आजकल वर्ल्ड में जैसे मिस्टर यूनिवर्स कॉम्पिटिशन भी होती है, तो बिफोर डूइंग देयर वर्कआउट दे हैव टू डू एरोबिक्स। इफ यू गो फॉर क्रिकेट यू हैव टू डू एरोबिक्स, इफ यू गो फॉर चेस यू हैव टू डू एरोबिक्स। यानी आपको फिजिकली फिट थ्रू उसी मीडियम के, फिजिकली मेंटली दोनों का अटैचमेंट इसमें एरोबिक्स में मिलता है आपको। अगेन राजकुमार जी, एक वक्त हो गया ब्रेक का। दर्शक मित्रों, ब्रेक पर जी फरीवार बात चालू राखीशु एरोबिक्स विषय नी, एरोबिक्स मास्टर राजकुमार जी साथ है। पर लीली एक नाम को ब्रेक ना। City cable operators also provide instant broadband connectivity. Zamane se kadam aage, zamane se ek kadam aage. Best service, best price. Zamane se ek kadam aage, City broadband. Hamesha aapke saath chalta rahe, City broadband. Zamane se ek kadam aage. Ek samajhdar sa sunni. एकदम स्वीटी सासु बोली, नोक झोक थोड़ी खाटी थोड़ी मीठी, सास बहू मरती ना हो पसंद घड़ी पन साड़ी नी पसंद मरती, सास बहू माँ साड़ी खरीदता सासु ने वो खिलती, लग्न सरानी नवी वैरायटी होश की खरीदती। लग्न प्रसंग माटे बनारसी घर छोड़ा पानेतरनी नवीज वेरायटी, फैंसी वर्क वाली प्रिंटेड साड़ियों, पंजाबी सूट, ड्रेस मटेरियल्स, अनोखी डिजाइन अने रंगों मा सास बहु साड़ी सिलेक्शन। सुंदर नारी ने वधु सुंदर बनावे सास बहु, सासु बहु ना संबंध मा मिठास वधारे सास बहु। एसके कॉम्प्लेक्स कर्णावती होटल नी बाजू मा इंडिया कॉलोनी रोड बापूनगर अमदावाद। दर्शक मित्रों, ब्रेक पछी બધાનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ આજના અતિથિમાં, અને આજે અમારી સાથે છે એરોબિક માસ્ટર વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર રાજકુમારજી। રાજકુમારજી, એરોબિક્સ કે બારે મે આપને તો બહોત સારી કોશિશ કી હે, આપ ચાહતે હે કી જન જન એક એક લોક હેલ્ધી રહે મેન્ટલી એન્ડ ફિઝિકલી, લેકિન ઇસકા ઓર જ્યાદા સ્પ્રેડ હો યે બાત, ઉસકે લિયે ક્યા ક્યા એક્ટિવિટીઝ આપકી તરફ સે હો રહી હે? इसके लिए मैं एक सपना लेकर आया था अहमदाबाद में कि मास एरोबिक्स करना था। चाइना में एक रिकॉर्ड है 26,000 लोगों ने एक साथ एरोबिक्स किया था। ओके, वो रिकॉर्ड मैं अहमदाबाद में बनाना चाहता था जस्ट टू अवेयर फॉर दिस आर्ट, दिस एरोबिक्स। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, लेकिन कोशिश जारी है। क्यों नहीं हो पाया? उसके लिए इतना बड़ा एक बहुत बड़ी इवेंट हो जाती है वो, 36,000 लोगों को, बच्चों को एक ही साइमल्टेनियसली लेकर उस प्लेटफॉर्म पे लाना और एक घंटे का कराना, उसके लिए पूरा आपको समझ लीजिए पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, ये वो सारा बहुत कुछ करना पड़ता है। लिटिल दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब आपका कहना है कि आपको करना तो है, ड्रीम है आपका, लेकिन मास एरोबिक्स एक घंटे करना है सबको, सिस्टम से कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा या लैक ऑफ सपोर्ट है, कुछ कम मिल रहा है या नहीं? मेरा मानव मंदिर में भी हो, सारा फाइनलाइज हो गया था, लेकिन अगर हम स्कूल की बसों का भी अंदाजा लगाते हैं तो 25,000 बच्चों को
एक साथ ला के वो ट्रैफिक और ये और वो सब फेल हो गया। कोशिश किए थे? कोशिश पूरी की थी, पूरा लॉन्च तक हो गया। कब किए थे ये? 2002 के बाद इमीडिएट किया था। अब क्या ड्रीम है आपका? अब ये ड्रीम है मेरा कि एक तो मैं ये 10 घंटे का मुझे करना है बाढ़ पीड़ितों के लिए। कुछ मैं सोच रहा हूँ कि अगर हो सकता है तो उनके लिए कुछ, जो आपके जो इतनी नेशनल कैलामिटीज आ जाती है खास करके गुजरात के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, तो मेरी तरफ से अगर मेरी कला से अगर कुछ मैं अपनी तरफ से कर सकूँ तो देट विल बी 10 घंटे का नॉन स्टॉप। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्लिपिंग रहेगा, वो नॉन स्टॉप रहेगा, वो वाइड एंगल में मैं सोच रहा हूँ करने का। वाइड एंगल में कितने लोगों को लेके? उसमें ऐसा रहता है कि मैं करते रहता हूँ, 15 लोग आते रहते हैं, फिर निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, वो कंटिन्यूटी में आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं स्टिल करता रहूँगा। राजकुमार जी, खास मुझे ये पूछना है कि आपने इतने लोगों को, अगेन मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को एरोबिक्स के थ्रू आपने बहुत फ़ायदा पहुँचाया, यंग जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है इस टाइप की एक्सरसाइज में? क्योंकि एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं? सभी एज ग्रुप के। फिर भी ज़्यादा यंग एज ग्रुप भी आते हैं, क्योंकि आजकल हेल्थ अवेयरनेस तो हर चीज़ में, आप कहीं भी जाएंगे तो इफ यू आर नॉट फिजिकली और मेंटली फिट, एवरीवन वांट टू बी सलमान खान एंड लाइक दैट। नॉट सलमान खान, आजकल तो फिटनेस की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। डजंट मीन कि यू आर अ सुमो लाइक 200 kg और ऐसा हो तो आप बलवान हैं। फिटनेस की डेफिनेशन ये है कि अगर आपको 10वीं मंजिल काम पड़ जाए, लिफ्ट बंद हो और आप चले जाएं बिना रुके टोके, यू आर फिट। अगर आपको दौड़ के जाना हो चौराहे पर तो आपको गाड़ी की जरूरत ना पड़े। व्हाई डोंट यू प्रपोज टू गवर्नमेंट पीपल कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी है, क्योंकि ज्यादातर जितनी स्फूर्ति अगर उनमें आ जाए तो बहुत सारा काम फास्ट हो सकता है। यू कैन पुट द प्रपोजल ना, नेचुरली कोशिश करिए। कभी करेंगे, सोचा है कभी इसके लिए? इसके लिए क्या सोचा जाए? ट्रैफिक पुलिस है जिनको सबसे ज्यादा सुबह हम एग्जांपल देते रहते हैं, सुबह ट्रैफिक वाला आता है वो सारे सिग्नल्स बिल्कुल अलर्ट में देगा, दोपहर को आएगा तो बस वो सिर्फ अपने मुंडी से ही करेगा और शाम तक तो उसके ये सारे जाते थे कि आंखों से ही हो जाता है। अगर आपके पास इतना टैलेंट है और इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल अगर ये इसके ऊपर मशीनरी के, मैं तो करते रहता हूं, जैसे पुलिस लाइंस में मैंने किया था एरोबिक्स का शो, स्टेज परफॉर्मेंस देते रहता हूँ जस्ट टू अवेयर कि दिस इज आल्सो वन सॉर्ट ऑफ आर्ट एंड यू कैन कीप फिट योरसेल्फ। अगर योगा का सपोर्ट ले सकते, शरीर को कम कष्ट पड़े, कम श्रम पड़े, उस हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत, योगा भी बहुत अच्छी चीज है, मैं खुद करता हूँ। नहीं लेकिन एरोबिक्स भी अगर ऐसे मिशनरीज के साथ आप ज्वाइन हो जाए तो मेरे हिसाब से बहुत फायदा हो जाएगा राष्ट्र को, कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके लिए बोला जाता है कि आलस का दूसरा नाम होता है, तो कहीं ना कहीं तो उनमें अलर्टनेस आ जाएगी। होना चाहिए, जहाँ पर जितने भी जैसे सेफर बेंगलोर वगैरह है, जितने कॉरपोरेट हाउस है उनके अंदर कंपलसरी है उनको 1 घंटे का वर्कआउट करना ही है उनको, तो डेफिनेटली फिर पूरा स्टाफ को, पूरा सिस्टम को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर बंदे हस्ट पुष्ट होंगे और मेंटली और सब अलर्ट रहेंगे तो रिजल्ट आना ही है। राजकुमार जी, आप अपने एक जगह पे चलाते हैं, ठीक है ना, और एरोबिक्स के मेरे हिसाब से बहुत कम सेंटर्स अहमदाबाद में, अगर और गुजरात में भी अगर कुछ ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं लगता? उसके लिए फिर इतना वहाँ उसके लिए आपका मीडिया काफ़ी है, अगर आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज कर दें तो शायद वो लोग देख कर भी कर सकते हैं। एरोबिक्स में खास करके जो लोग आते हैं, क्योंकि ये चीज, ये एक्सरसाइज करने वाली चीज है, कभी ऐसा लगता है कि अगर मिडिल क्लास पीपल अगर सोचता भी है, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मेरी इनकम इतनी, इतना खर्चा मेरा उसमें जाएगा, उस वजह से भी शायद छोड़ देते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा नहीं लगता ये सब, जिम में जाना ये वो, उसको थोड़ा अगर आप ये लेवल पे हो तो थोड़ा डाउन करके कॉमन पीपल के लिए भी कर सकते। तो मैं तो अगर जैसे कोई आता है ऐसा तो उसके लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराता हूँ, लेकिन ये ग्लैमर वाली चीज है जो एरोबिक्स है, जैसे सिर्फ मॉडल्स हैं, ये एयर होस्टेस हैं, तो एक ग्लैमर जुड़ जाता है वहाँ, तो थोड़ा कॉस्टली तो हो ही जाता है, इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, वेन्यू का
वो होता है तो उसमें तो नहीं कर सकते, और फिर ऐसे मैदान में तो कर नहीं सकते, ये माहौल भी नहीं बनता, माहौल भी नहीं बनता। यू हैव टू इन कॉम्पैक्ट, एक अलग ही एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जैसे आप इंटर करो तो आपको लगे कि वी आर इन द डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ फिटनेस, और वो शायद कहीं बाहर करो और अंदर करो फर्क भी पड़ जाता है, क्योंकि आपका जो माहौल है अगर थोड़ा भी चेंज करते हो तो शायद आपको भी अनइजीनेस फील होता होगा कभी कभी, कहीं खुले में करना पड़े तो। खुले में करते हैं, लेकिन मैंने एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड खुले में करने का सोचा था, लेकिन तीसरे घंटे में तो मेरे होंठ से खून आने लग गया था, इतना ऑक्सीजन भी नहीं बाहर से ले सकते, उसको तो एसी में ही और बंद में ही किया जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो लगता है उस वजह से शायद ये महंगा है, इसका महंगा पड़ता है। राजकुमार जी, अंत में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गुजरात की जनता है, जो भी हमारे सिटी न्यूज के व्यूअर है, आज ना आती थी प्रोग्राम के हमारे जो भी व्यूअर है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हेल्थ के बारे में और एरोबिक्स के बारे में? मैं तो कहता हूँ कि अगर आधी घंटा भी अगर आप लोगों ने अपने शरीर के लिए दे दिया तो आप 100 साल तक जिंदगी लंबी ना सही, छोटी हो लेकिन खूबसूरत होना चाहिए। दैट्स माय अंडरलाइन, एक वो है जो मेरे पिताजी ने भी मुझे ये कहा था कि जिंदगी छोटी हो लेकिन खूबसूरत हो, लंबी होने से कोई फायदा नहीं। जितना छोटी होगी, खूबसूरत हो, अच्छी तरह से जियो, अगर निकल जाओ तो कोई कहे कि हाँ कोई बंदा जा रहा है। दर्शक मित्रों, बहुत सारो मैसेज आप अपने कि जीवन नानू है चाल से, परंतु सारो जीवन हो जियो। अंतमा कार्यक्रम पूरा करता पहला एक बीजो घट स्पोर्ट करी दू कि राजकुमार जी एरोबिक्स ना तो माहिर छे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर छे, परंतु सारा सारा शेर पण संभळावी देता हो छे। एक अच्छा सा खूबसूरत शेर हमारे व्यूअर के लिए। वो शेर काफी यहाँ के लोग शायद समझ में आए ना आए, कोशिश करेंगे कि लाख सूरज से दोस्ताना सही, लाख सूरज से दोस्ताना सही, चंद जुगनू भी पास रखा करो। यानी जरूरी नहीं कि हमारे, जैसे कि समझ गए सर, समझ गए कि हमारे मुख्यमंत्री जी पहचान है, इनसे पहचान है उनसे, लेकिन कुछ चंद जुगनू लोग भी पास में रखा करो, ताकि उनसे पता नहीं कब काम पड़ जाए। आधी रात को आपको चाय की जरूरत पड़ जाए तो आप मुख्यमंत्री से तो नहीं बोलेंगे कि चाय लेकर, उस टाइम वो जुगनू काम बच्चा काम आएगा। तो लाख दोस्ताना सूरज से सही, चंद जुगनू भी पास रखा, पता नहीं वो कब रोशनी की जरूरत पड़ जाए। बहुत अच्छे राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्रों, आ हती वातो, घणी बधी वातो एरोबिक्स विषय, कारण के एरोबिक्स एक एवो विषय छे के जेना माटे घणी बधी हजी गैरसमजो पर प्रवर्ते छे अने अज्ञानता पण घणी छे, परंतु धीरे धीरे कॉन्शियसनेस पर वधी छे। राजकुमार जी ने फरीवार विश ऑल द बेस्ट सिटी केबल ना दरेके दरेक व्यूअर तरफ थी अने सिटी न्यूज ना परिवार तरफ थी कि तेमणे जे पण ड्रीम मूक्यू छे ते जरूर थी आवनारा दिवसों माटे पूरू करे। આજના અતિથિ કાર્યક્રમમાં ફરીવાર મળીશું એક નવા અતિથિ સાથે, ત્યાં સુધી મને અને રાજકુમારજી રજા આપો, નમસ્કાર।